हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लगाते हैं। सो वन कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मेथ, टू कार्बन एथ, थ्री कार्बन प्रॉप, फोर कार्बन ब्यूट, फाइव पेंट, सिक्स हेक्स, सेवन हेप, एट ऑग, नाइन नॉन एंड टेन डेक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अल्केन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। अल्केन, अल्केन मीन्स क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन हैं? वन टू, टू कार्बन है। सो टू कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा? एथ। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एथ। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, ये तो हमने प्रीफिक्स लिख दिया, ठीक है, प्रीफिक्स में हमने वर्ड रूट लगा दिया है। अब सफिक्स में क्या लगाएंगे, मतलब बाद में क्या आएगा? सो यहाँ पर आपको याद रखना है सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स होता है एन। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन। सो इस कंपाउंड का नेम हुआ इथेन। देन सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। नाउ सी हियर, कितने कार्बन है? वन टू थ्री फोर। अब यहाँ पर फोर कार्बन है। सो फोर कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। देन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मीन्स सफिक्स क्या आ जाएगा? एन। देन नेक्स्ट अल्किन कंपाउंड की नेमिंग कर लेते हैं। सो अल्किन मीन्स क्या होता है? यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, वो होते हैं अल्किन के कंपाउंड। सो और अल्किन के लिए सफिक्स हम लगाते हैं इन। सो सी दिस एग्जांपल। अब ये जो अल्किन का कंपाउंड है, इसका नेम क्या होगा, आईपीएससी नेमिंग क्या होगी? सो सी हियर, कितने कार्बन है? टू कार्बन है। सो टू कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है इथ। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम सफिक्स क्या लगाते हैं? इन। सो यहाँ पर आ जाएगा इन। सो दिस इज इथिन। देन नाउ सी दिस कंपाउंड। सो यहाँ पर कितने कार्बन है? वन टू थ्री, थ्री कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रॉप। एंड यहाँ पर देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो सफिक्स आ जाएगा इन। सो दिस इज प्रोपीन। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड, CH CH2 CH3। सो हियर हाउ मेनी कार्बन इज देयर? वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन है। सो ब्यूट एंड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, सो इन। देन नेक्स्ट अल्काइन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। अब अल्काइन मीन्स यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। देन अल्काइन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं आइन। तो यहाँ पर हमने पहला एग्जांपल लिया है अल्काइन कंपाउंड का, यहाँ पर टू कार्बन है, सो आ जाएगा वर्ड रूट इथ। अब यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो सफिक्स में आ जाएगा आइन। देन सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। नाउ कितने कार्बन है यहाँ पर? वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन है। सो ब्यूट, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, सो आ जाएगा सफिक्स आइन। देन नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर लेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं, उनका आईपीएससी नेमिंग करेंगे। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हम ले लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल सिंबल होता है OH, और अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल, OL ऑल। सो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH। नाउ सी यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं? वन टू थ्री, थ्री कार्बन है। सो वर्ड रूट आ जाएगा प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? एन। सो यहाँ पर आ जाएगा एन। देन
सफिक्स में क्या आएगा, तो अल्कोहल है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, तो अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल, सो यहाँ पर आ जाएगा ऑल। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एन का ई है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दो वॉवेल एक के बाद एक नहीं आ सकते। अब यहाँ पर देखिए, वॉवेल में आता है ए ई आई ओ यू, तो एक के बाद एक वॉवेल नहीं आ सकता। यहाँ पर देखिए, ई के बाद ओ है, दोनों वॉवेल साथ में है, इसीलिए जो पहला वाला वॉवेल है उसको हमने कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पर आ जाएगा प्रोपेन ऑल। देन सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, फोर कार्बन है, सो आ जाएगा ब्यूटेन। एंड यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, सो अल्कोहल के लिए सफिक्स लगाते हैं ऑल, सो ऑल, सो दिस इज़ ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट ले लेते हैं हम फंक्शनल ग्रुप, डैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिंबल होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। सो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, सी एस थ्री सी ओ ओ एच। सो यहाँ पर देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है इसे भी हम काउंट करते हैं। सो कितने कार्बन हो गए, 1 2 2 कार्बन है, सो वर्ड रूट हो जाएगा 8। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। सो यहाँ पर आ जाएगा ओइक एसिड, सो दिस इज इथेनोइक एसिड। देन सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, फोर कार्बन है, सो आ जाएगा ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। देन ओइक एसिड, सो दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, डैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसके लिए सफिक्स लगाते हैं अल। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। इसका जो सिंबल होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला जो कार्बन है इसके दोनों साइड क्या होते हैं, दोनों साइड ही कार्बन होते हैं। और एल्डिहाइड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, लेकिन इसके एक साइड हाइड्रोजन होता है और दूसरे साइड क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। और कीटोन के लिए हम लगाते हैं सफिक्स ओन, ओ एन ई। एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, एल्डिहाइड के कंपाउंड सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, सो आ जाएगा इथ। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। देन एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं, सफिक्स अल, सो यहाँ पर आ जाएगा अल। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, फोर कार्बन है, सो ब्यूटेन अल। देन कीटोन, फर्स्ट एग्जांपल इज सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कीटोन का कंपाउंड है, बिकॉज यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है और इसके दोनों तरफ कार्बन अटैच है। लेकिन अल्डिहाइड में देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है लेकिन इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कार्बन है। सो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड को आइडेंटिफाई करोगे। सो इसका नेम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, सो प्रॉप एन। देन सफिक्स में आ जाएगा ओन, प्रॉप एन नॉन। देन कीटोन का नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, फोर कार्बन है, सो आ जाएगा ब्यूटेनॉन।